नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी। न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम बात करेंगे DSSB, IIT, TMC, इंडिया एग्जिम बैंक, NTPC, सदर्न रेलवे, SPMCIL के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSSB के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है TGT, असिस्टेंट टीचर, लाइब्रेरियन, डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहां पर कुल 632 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 30 वर्ष यहां निर्धारित किए गए हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो महिलाओं के लिए SC, ST, PWD और EXSM के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे, वहीं अन्य से 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो DSSSB.delhi.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नंबर दो पर हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट टीचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 119 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएट डिग्री एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर के 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व OBC EWS के लिए 700 रुपये, SC ST PH के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, वहीं महिलाओं के लिए भी कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.iitk.ac.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीन पर हम बात करेंगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वाराणसी के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है नर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 50 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड डिप्लोमा इन ऑनकोलॉजी या नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहां कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। इंटरव्यू की तारीख 2 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.tmc.gov.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर चार पर हम बात करेंगे इंडिया एग्जिम बैंक के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है मैनेजर मैनेजमेंट ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 45 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, बैचलर डिग्री या BE या BTEC या MBA या PGDBA इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित है, वहीं अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी OBC के लिए 600 रुपये, वहीं अन्य के लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.eximbankindia.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पाँच पर हम बात करेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 864 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहां पर नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.ntpc.co.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर छह पर हम बात करेंगे सदर्न रेलवे के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 3090 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व OBC के लिए 100 रुपये, SC ST PWD और महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 निर्धारित है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो sr.indianrailways.gov.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर सात पर हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन फायरमैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 83 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th एंड फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स या ITI इन रिलेवेंट ट्रेड होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क यहां भी नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.spmcil.com पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रोजगार से जुड़े समाचार से बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।